जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ एक बहुत ही आसान स्ट्रेटजी जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। उस स्ट्रेटजी के थ्रू आप प्रॉफिट बना सकते हैं। 90% काम करती है स्ट्रेटजी, बट आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऊटपटांग वीडियो तो काफ़ी देख लेते हैं, पूरा एक बार इसको पूरा देखिए, हो सकता है ये आपको प्रॉफिट बनाने में मदद करे। ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, एक आसान सी स्ट्रेटजी है जिसको आपको खुद ही निकालना है और खुद ही यूज़ करना है। मैं उसके प्रूफ दिखा सकता हूँ, और अगर आप चाहें तो उसके खुद ही बैक टेस्ट करें और बैक टेस्ट करके देखें तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, ये 100% काम करती है, हर कहीं काम करती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम करती है और स्टॉक्स में तो करती ही है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ जो पेज इंडिया है। आप बोलेंगे स्टॉक काफ़ी बड़ा है, 36,000 रुपये का है, तो इसमें आप कैश ट्रेड तो कर नहीं पाएंगे, बट मैं आपको इसमें आप इसमें ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक्स के ऑप्शन चैन में जो है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं आप इस स्टॉक्स में, क्योंकि जो इसका लॉट है वो काफ़ी छोटा है, 5 का लॉट है, तो आप वो इससे कर सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो आप वो भी करेंगे तो वो ज़्यादा वैल्यू नहीं पड़ती है, आप देख लीजिए। पहले मैं आपको सब समझा रहा हूँ, फिर स्ट्रेटजी 2200 रुपये का मिल जा रहा है, बहुत कम का मिल जा रहा है ये आपको, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, पेज इंडिया को लेके चलता हूँ, मैं इसका चार्ट खोलता हूँ दोस्तों। ये बंडे की कैंडल्स लगी हुई है, ये देखिए, कभी भी अगर कोई स्टॉक्स एक जगह पे आने के बाद अगर वो उस जगह पे, ये स्ट्रेटजी इसको अच्छे से समझ लीजिए आप, अगर वो उस जगह पे सस्टेन करने लगे, आप देखिए कितने दिनों से एक रेंज में ही है, जहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है उसको आप अच्छे से देखिए कि एक रेंज में बना हुआ है ना, इसने ऊपर उस रेंज को तोड़ के निकल पाया ना नीचे निकल पाया। अब आप बोलोगे कि एक बार ये ऊपर निकला, मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर भी दे रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर, बट प्लीज़ इस वीडियो को सुनिएगा ज़रूर लास्ट तक। ये शायद आपकी, मैं ये तो नहीं बोलता कि आपकी लाइफ बदलेगा, बट आपको कुछ ना कुछ सिखा के तो ज़रूर जाएगा, और आगे चल के आप उस सीखी हुई चीज़ से कुछ अच्छा ही कर पाएंगे। तो देखिए, ये बंडे की कैंडल पे एक दो कैंडल्स ने ये जो है इनका हाई तोड़ के कोशिश की, लेकिन दोस्तों इधर पे आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखना है कि जब भी इस तरह का ब्रेकआउट हो तो आपको सबसे पहले, ये तो बंडे की कैंडल है, अगर आप इसको स्विंग ट्रेड में लेना चाहते हैं ना, तो पहले तो आप ये जैसे इसका ब्रेकआउट होने दीजिए, देन दूसरे दिन एक कैंडल इसके नीचे जो इसका लो है इसको काट के बनने दीजिए, ठीक है, उसके बाद ही आप एंट्री लीजिएगा, और तो आप एक इंट्राडे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेनी है तो आप इसके नीचे एक कैंडल बनने दीजिए, देन अगेन एक रिवर्स कैंडल बनती है 100%, जो इसी जगह से अगेन रिवर्सल ले लेती है, और जो कैंडल उसने बनाई थी और उसके लो को फिर से काट देती है, तो आप एक लंबी ट्रेड के लिए घुस सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए 4-5 दिन की रहेगी। लेकिन इंट्राडे कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने आपको स्विंग ट्रेड बता दी। इंट्राडे में आपको कुछ भी नहीं करना है, 5 मिनट के चार्ट्स को लगा लेना है। ये देखिए आप इधर पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से देखिए आप, अभी इसने इसी जगह से एक रिवर्सल दिखाया, अगर ये कल इस जगह को, मैं आपको यहाँ पे, ये स्ट्रेटजी है दोस्तों मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये अगर ये मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल दी, एक लाइन डाली हुई है, अगर ये इस जगह को क्रॉस आउट कर देता है नीचे की ओर कर देता है, और आपको ये जो मैं दिखा रहा हूँ इससे समझने की कोशिश करिए, अगर 5 मिनट की कैंडल इधर नीचे बनती है इसके, और उस कैंडल का अगली कैंडल लो, उस कैंडल का लो काट देती है, तो आप जो 5 मिनट की कैंडल फर्स्ट कैंडल बनी है उसके ऊपर का आपका एसएल हो जाएगा, और उसके जो जो उसका लो काटी उस जगह पे आपकी एंट्री हो जाएगी, देन आप उसके बाद घुस जाएंगे, और आप अपने हिसाब से, और इसके आप टारगेट बोलेंगे, अब मुझे टारगेट भी चाहिए, तो मैं आपको टारगेट भी निकालना बता देता हूँ जहाँ तक ये जा सकता है। तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो करीब इस जगह पे आएगा, मतलब ये अगर इस जगह से शुरू हुआ 36,000 से, तो पहला ही टारगेट इसका करीब इस जगह पे आएगा 36,148 पे, ठीक है, 400-500 पॉइंट नीचे, और देन उसके बाद एक आएगा 35,894 पे। ये स्ट्रेटजी है और एक स्टॉक भी है, इसमें आप कल ज़रूर देखिएगा, आप इसको नोट डाउन कर लें और इसको कल ज़रूर देखें, हो सकता है ये कल बहुत अच्छा वर्क करे और मैंने जो स्ट्रेटजी बोली उस पर काम करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड स्टॉक, उसका नाम है हैवेल्स, इसने तो काम भी किया और मैंने पैसा भी बनाया था इसमें दोस्तों। मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट नहीं है, बट मैंने एक सीरीज भी चालू की हुई है अपने इस
ही वीडियो के दौरान मैंने एक सीरीज डाली जिसमें मैं कैश में ट्रेड कर रहा हूँ एंजल वन में, उसमें आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। आप इसमें कैश में भी कर सकते हैं, लेकिन कैश के लिए आपके पास पैसे होना ज़रूरी है। साथ में आप इंट्राडे कर सकते हैं दोस्तों, बट इंट्राडे में एक दिक्कत ये होती है कि मार्केट जब इस तरीके से ऊपर नीचे निकलता है ना, तो एकदम से ऊपर नहीं जाता, थोड़े दिन ऊपर नीचे करता है देन जाता है। तो आप इसमें एक आप चाहें तो इसके ऑप्शन ले सकते हैं सस्ता सा। देखिए अगर आप स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इसमें हमेशा आप आउट ऑफ द मनी लें, उतना रिक्स लें जितने उतने रिक्स का ही आउट ऑफ द मनी लें जितना रिक्स आप ले सकते हैं, क्योंकि या तो ये आपको लमसम दे के चला जाएगा या आपसे थोड़ा सा लेके चला जाएगा। तो थोड़ा जो आप थोड़ा ही से करोगे, लेकिन अगर देने पे आता है ना स्टॉक दोस्तों, बहुत लंबा प्रॉफिट देता है, आप झेल नहीं पाओगे, मस्त प्रॉफिट देगा आपको, चार पाँच पाँच दस दस हज़ार का दो दो गुना कर देगा। बट आप कैश में करिए तो सेफ है, लेकिन कैश के लिए आपको पैसे चाहिए दोस्तों, सीधी सी जो बात है। अब मैं आपको रिलैक दिखाता हूँ कि किस तरीके से, ये देखिए ये था हैवेल्स, इसने एक जोन बनाया इधर सस्टेन करता रहा। मैंने एक जो ट्रेड ली थी मैं आपको बताऊंगा, मैंने 5 मिनट की कैंडल पे ब्रेकआउट पे ली थी ट्रेड और मैंने उसमें इंट्राडे किया था, लेकिन मैं आपको एक स्विंग ट्रेड भी डाली थी मैंने उसके लिए, और मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरीके से थी। कि उसमें देखिए मैंने आपको बोला ना इसमें बन रहा, ये एक हुआ, ये बनी एक दिन की कैंडल, अब इसके ऊपर एक क्रॉस ओवर कर दिया तो आपको इधर घुसना नहीं है। देखिए सेकंड कैंडल ने एक देखिए रीटेस्ट कैंडल बनाई, जब इस कैंडल को ऊपर की ओर काट दिया गया अब तुरंत घुस जाइए, आपका एसएल जो रहेगा इस कैंडल के नीचे ही रहेगा। देखिए अभी भी एसएल टच नहीं हुआ, आप दो चार दस दिन पंद्रह दिन बैठे रहते, आप अगर मंथ में देखिए ये कब हुआ 22 नवंबर को, तो 22 नवंबर को ले लेते तो आप ये देखिए ये कब हुआ, इसमें एक ऊपर का जो कट आया वो कब आया है ना, अगर आपने इस जगह पे ले लिया होता तो ऊपर का कट आया 30 नवंबर को, 30 नवंबर को आप प्रॉफिट बुक कर लेते, या आप जब घुसे थे उसी दिन आप प्रॉफिट बुक कर लेते और निकल जाते। लेकिन अगर आप इसमें अगले मंथ की एक्सपायरी ले लेते तो आप अभी भी बैठे होते और प्रॉफिट कमा रहे होते दोस्तों, थोड़ा सा डिके होता है लेकिन जब ये ऊपर निकलता तो आपको प्रॉफिट दिखाता। और अगर आप कैश में करते तो वो तो बिल्कुल सेफ था, उसमें तो आप 100% थोड़ा बहुत ज़्यादा शेयर लेते तो ज़्यादा, थोड़ा लेते तो थोड़ा, लेकिन सेफ प्रॉफिट बनाते। मैं तो ये बोलता हूँ दोस्तों आप साल भर 300-300 रुपये प्रॉफिट बनाइए। आप जब 300-300 रुपये प्रॉफिट साल भर बनाते रहेंगे ना दोस्तों, आप एक चीज़ कैलकुलेट करिए, पर डे 300 बनाइए आप, या 300 लॉस हो तो निक बाहर हो जाइए, ये स्ट्रेटजी करके देखिए। मैं 100 पर बड़ा मत सोचिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आके आप तुरंत बड़ा सोचेंगे नहीं कर पाएंगे। देखिए आप 300 के प्रॉफिट से ही और कैश में ट्रेड करोगे ना, आप बोलोगे यार मैं तो एक साल में मैंने 300 बनाया, तो साल भर महीने भर में मैंने 900 बनाया, 9000 बनाया, 9000 को इंटू 12 से करेंगे तो आप बोलोगे यार ये तो यार कुछ पैसा ही नहीं हुआ, साल भर मेहनत करी 1 लाख रुपये ही बना, ठीक है चलो, क्योंकि आपको तो एक दिन में 1 लाख चाहिए। लेकिन दोस्त एक चीज़ समझो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसोगे, ऑप्शंस में घुसोगे कैश के अलावा जाके, तो आप ये जो 1 लाख है ना ये आप एक महीने में गवा दोगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप इसमें ये स्ट्रेटजी लगा के इस ट्रेड को करोगे ना, तो ये देखो आपको पूरा 1 साल बिना कोई कोचिंग कोई क्लास आप खुद सीखने मिलेगा आपको स्ट्रेटजी से, आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, आपको पता होगा कहाँ एंट्री लेना है, किस तरीके की कैंडल बनती है, तब एंट्री लेना और नहीं लेना ये पता होगा आपको, आप परफेक्ट हो जाएंगे। सॉरी तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ एक बार ये करके देखें। तीसरा स्टॉक और दिखाता हूँ जो मैंने आज ही लिया है, और मैं आपको दिखा दूँगा मैंने लेके भी रखा हुआ है, इन्फोसिस है ये। इन्फोसिस में एक रेंज थी, इसने रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट किया है दोस्तों, मैंने इसको केवल एक दो दिन के लिए, मुझे कल पता है 100% गैप अप ओपन होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों पे ट्रेड की है, मैंने समझा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन मैं बोल रहा हूँ। अगर आप भी कैश में करेंगे 1 साल तक तो आपको भी समझ आएगा कि हाँ स्ट्रेटजी काम करती है। जो भी मेरे वीडियो को देख रहा होगा कल वो खुद ही देखे कि स्ट्रेटजी काम की कि नहीं। इसमें मैंने लिया हुआ है, मेरा एसएल इस रेंज के नीचे है दोस्तों, कोई बड़ा एसएल नहीं है मेरा ना, मैं इस रेंज के नीचे एसएल रखा हुआ हूँ जो कि बिल्कुल आएगा ही नहीं। उसके पहले मुझे पता है ये रेंज मुझे इतना दे के जाएगा 30-40 पॉइंट, और इस रेंज के लिए मैंने जो एसएल रखा है 74 से 40 रखा है, वो भी मेरा 30 पॉइंट का, और मैं करीब करीब टारगेट जो कवर करूँगा 1500 करीब का करूँगा दोस्तों, 1518 का जो 30 और कुछ ज़्यादा होता है, और मुझे पता है वो मैं हिट करूँगा वो, लेकिन हाँ उसमें टाइम लगेगा, मुझे जल्दी नहीं मिलेगा, समय लगेगा, समय मुझे देना होगा 8-10 दिन। तो ये तो मैंने आपको बता दिया जो है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ जो मैंने की है कि नहीं, क्योंकि देखिए लोग आपको ये तो बता देते हैं कि ये स्ट्रेटजी वो, लेकिन कोई दिखाता नहीं आज तक, जितने भी
मार्केट में चल रहे हैं ना स्क्रीन फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाई नहीं रहे, जितने भी मैं देख रहा हूँ लाइव क्लास कर रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन डाल दी, आप करिएगा आप नहीं करिएगा, खुद कुछ नहीं करते, बाकायदा अपने सब्सक्राइबर टाइम बढ़वा रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं, उधर से पैसा कमा रहे, कुछ नहीं कर रहे घंटे में। नाम नहीं लेना चाहूँगा बहुत सारे अखंडा वगैरह ये जो, मैं नाम नहीं लूँगा, बट ये सब यही चला रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मैं अपने उल्लू सीधी करने के लिए नहीं है, मैं तो आपको दिखा भी दे रहा हूँ, मैंने आज जो छोटा सा प्रॉफिट किया था वो भी दिखा दे रहा हूँ, 2400 पट्टी का किया था, हाँ आपके हिसाब से तो बहुत ही छोटा है लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ मैंने एक जो होल्डिंग की है, मैंने आपको बोला था मेरी देखिए होल्डिंग बनी हुई है, ये इसमें मेरी जो होल्डिंग है आपको सामने दिख रही है, ये है 1400, ये मेरी होल्डिंग है, इसमें मुझे 50 पैसे का लॉस है, मैंने 10 शेयर लेके रखे हुए हैं, ये आपके सामने मैंने बता दिया। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि मैंने देखिए अभी कल एक वीडियो डाला था, उसमें ये 172 रुपये का प्रॉफिट नहीं था, क्योंकि ये कल आज मेरे में ऐड हुआ है, मैंने एक VPSCLC का लिया था 172 बनाया था, ये गलती से मेरा तुरंत में ऐड हो गया था, एक और निकाल दिया तो उसमें 1400 रुपये का लॉस हो गया था मुझे। और ये देखिए आप इस तरीके से IPO में भी ट्रेड करता हूँ, उसमें मैंने ये प्रॉफिट बनाया है। दोस्तों मैं सेफ ट्रेड सिखा रहा हूँ आपको, अगर आप भी मेरे साथ ट्रेड सीखना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे आपके दोस्तों को भी पता करें कि किस तरीके से ट्रेड करना है। अभी तक मैंने जितना भी किया उसमें मेरा जो चार्जेस लगे हैं वो 185 है, मैं डिलीवरी में करता हूँ एंजल वर्ल्ड में, डिलीवरी में मुझे जो है फ्री ब्रोकरेज रहता है, मैं उसके लिए भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से ट्रेड चार्जेस दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये ब्रोकरेज फ्री रहता है, इसमें केवल 2 रुपये लगा मेरा, है ना, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए ठीक है दोस्तों ये आपके सामने है दोस्तों, एक क्वांटिटी को सेल आउट किया था उसमें मेरा कितना ट्रेड लगा वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। इस तरीके से मैं ट्रेड को कर रहा हूँ और पैसे बना रहा हूँ दोस्तों, है ना, लास्ट 15 डेज़ ये आपके सामने सब कुछ है, मैं आपको क्लियर कहानी बता रहा हूँ, उलझा के नहीं रख रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेटजी काम करती है और कैसे काम करती है वो भी दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों कुछ ट्रेंड लाइन है, मेरा ये तरीका है काम करने का, बट मैं आपको उसी स्ट्रेटजी पर बताता हूँ कि वो भी काम करती है। देखिए एक तो इसने ट्रेंड लाइन का दिया था तब मैंने लिया था इसको, और इधर मैंने प्रॉफिट बुक करके छोड़ दिया था, बट ये उसके बाद एक रेंज बनाया था इसने, वो रेंज थी ये, जहाँ ये 2-3 बार गया और जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया ये थी वो रेंज दोस्तों, और जैसे ही इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था दोस्तों तो मैंने तुरंत इसमें एंट्री ली थी निफ्टी में उस दिन, और उसके बाद मैंने होल्ड किया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला था दोस्तों मैंने। ये मैंने इसमें मंथली एक्सपायरी मतलब मैंने इसमें ऑप्शन लिया था, बहुत छोटा सा ऑप्शन, मैं अगली बार वो भी दिखाऊंगा जब इस टाइप की ट्रेड करूंगा, मैं हमेशा तो करता नहीं हूं, जब भी इस टाइप का सेटअप बनेगा वो ट्रेड भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और मैं आपको समझाऊंगा भी क्यों थी कि मैंने इसमें ये ट्रेड ली थी, और मैंने कम से कम इसको 3 से 4 दिन तक होल्ड किया था, और मैंने करीब करीब 2000 रुपये लगा के अपने पास 7 से 8 हज़ार रुपये निफ्टी में मैंने बनाए थे दोस्तों। अब आपको आश्चर्य लग रहा होगा बट ऐसा होता है। अभी रेंज का कमाल आपको देखना है तो देखिए एक और आगे रेंज, ये कोई नहीं बताया गया, बहुत सरल ऑप्शन है रेंज पे काम करना, करके देखिए एक बार, बड़ी बड़ी स्ट्रेटजियाँ आप सब लगा चुके। ये देखिए ये भी एक रेंज थी, इसी रेंज में घूमता रहा, जैसे ही ब्रेकआउट दिया आप देख सकते हैं दोस्तों कितने पॉइंट ऊपर चला गया। आपने कभी इस चीज़ का अनुमान लगाया? चलो मैं लगवा देता हूँ इधर से, आप ये देखिए इसने ये आज इधर तक है दोस्तों करीब। अब आप इसको सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। 1000 पॉइंट चल चुका है अगर आप सोचिए, और एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी था, एक रेंज का ब्रेकआउट भी था। इधर से अगर आप एक 19,800 या कोई आउट ऑफ द मनी जो 2000 रुपये तक का था लेके, अगर आप उसको, ये किस डेट पे हुआ था वो भी देख लीजिए दोस्तों, इसकी डेट थी 28 नवंबर, तो पहले तो आप अगली एक्सपायरी का ले लेते दिसंबर का उठा के, जो आपको थोड़ा दूर का मिलता, लेकिन आप दूर का ले लेते, जैसे अभी 19,800 पे था आप उस समय ले लेते 20,500 का या 20,600 का, जो आपको सस्ते में मिल जाता है। ये 20,900 जा चुका है दोस्तों, आप अनुमान लगाइए आप कितना अच्छा प्रॉफिट बना के बैठ जाते। बट इसमें होल्ड करना होता है, डरना नहीं होता, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे करके जाता है, नीचे ऊपर जाता है, एकदम से ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा समय लेता है। लेकिन ये तो बहुत ही स्टैंड अप गया है, इधर पे एक अपने पास चुनाव के रिजल्ट भी आए थे, उसके बाद 300 पॉइंट का ये बूम भी था, आप देख सकते हैं संडे के दिन के रिजल्ट के बाद 5 तारीख को बहुत ज़बरदस्त बूम दिखाया गया था ये, है ना। तो
ये इधर पे था 3:30 के बाद, 3 में जब खुला, 4 में खुला तो एक ज़बरदस्त कैंडल, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त बूम, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर गई थी क्योंकि वो चुनाव के रिजल्ट के कारण हुआ, बीजेपी के आने के कारण। तो मैं बस अपने वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी लोगों से अगेन जय श्री राम। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और जिन जनों में तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, कोई आपके क्वेश्चन है इस रेंज को लेके। मैं आपको और ये बहुत सरल स्ट्रेटजी है, केवल आपको रेंज को फाइंड आउट करना है, आपको स्टॉप को ही खोजना है, और फाइंड आउट करने के बाद आपको उस रेंज के ब्रेकआउट के लिए इंतज़ार करना है, भड़बड़ाना नहीं है दोस्तों। ये मैं आपको इसका चलिए एक किस्सा, एक चीज़ और दिखा देता हूँ निफ्टी में। देखिए दोस्तों, आपकी मेहनत का पैसा है, उसे बर्बाद मत कीजिए। ये देखिए, इसने जैसे ही देखिए दोस्तों, उस रेंज को ब्रेकआउट के लिए उसने कितनी हैवी, ये एक सिम्टम होता है कि इसने देखो एक मोर, ये मो है ना, एक ये स्टैंडफुल कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, ये एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन होता है। देन देखो आप, इसके बाद ये ऊपर गया, आप एंट्री ले सकते का, आपका SL केवल इसके नीचे ही इधर होता, इस कैंडल के नीचे, और आप ले सकते थे, और इस तरीके से घुसा। देखिए उसी जगह से फिर अगेन लौट गया, आपको अगेन एक एंट्री मिल रही थी, और जैसे ही इसको किया था, कुछ लोग लेट करते हैं तो वो करते, और उसके बाद कितना अच्छा ऊपर गया आप देख सकते हैं। एंट्री का तरीका भी बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, बस आपको अपने दिमाग को ठंडा रखना है, ट्रेड अच्छे से करना है, स्टॉक्स में करिए दोस्तों, कैश में करिए, स्ट्रेटजी को लगाइए। धीरे धीरे जब आप स्ट्रेटजी को लगाने लगेंगे ना, तो आप प्रॉफिट को समझने लगेंगे, स्ट्रेटजी को समझने लगेंगे। मत लगिए किसी के कॉल टिप्स में, कुछ नहीं होगा, 2 दिन फायदा होगा, 3 दिन लॉस होगा, यही चलता रहेगा। कॉल टिप्स में कुछ नहीं होता दोस्तों, मैं आपको रियल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो मार्केट के अंदर बहुत ही आसान तरीके से काम करती है। अगर आप भी मेरे साथ, तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसी तरीके की स्ट्रेटजी आपको दिखाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय श्री राम।